अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बर्ड इंक्यूबेटर और ब्रीडिंग बॉक्स बनाने का तरीका बताऊंगा, जो कि नहायत ही आसान है। ये हमारे पास एक ब्रीडिंग बॉक्स है जो कि हमने खुद घर पे तैयार किया है। इसके लिए हमें 6 वुडन शीट चाहिए, जिनकी जो डिटेल है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले आप इसको देख लें, ये देखें, ये 6 वुडन शीट्स हैं जिनकी जो लेंथ और विड्थ है वो मैंने मेंशन की हुई है। इस तरह आपने इनको बनवा लेना है या घर पे काट लेना है। ये देखें, ये आपके सामने है, इस तरह शीट्स को काट लेना है। ये देखें, इसके अंदर मैंने 3 सुराख किए हैं जो कि हवा के आउटलेट के लिए यूज होंगे। ये देखें, और इसके लिए मैंने बैटरी के जो कवर होते हैं, टॉप कवर, वो मैंने यूज किए हैं। इससे मैं इन होल्स को बंद कर दूंगा। पहले ड्रिल की मदद से मैं इन सुराख को निकालूंगा ऐसे, और इसी तरह ड्रिल की मदद से जो साइड पे पेच लगने हैं वो भी मैं ड्रिल से काट लूँगा सुराख। इसके बाद इसको फिर हम डिस्टेंपर कर देंगे। ये देखें, मैंने इसको फिर डिस्टेंपर कर दिया है अच्छे तरीके से, ये अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से डिस्टेंपर कर लेना है। इसकी शेप इस तरह की हो जाएगी जैसे कि आपको नजर आ रही है। ये देखें, थोड़ी देर फिर इसको ड्राई होने दें। बड़ा नीट एंड क्लीन बन जाएगा ये। तो स्टैंपर के बाद आप इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं, जो आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डक्ट, जो प्लास्टिक की आती हैं, वो मैंने लगा दी हैं, जिसके हम अंदर से ही जो लाइट बल्ब को सप्लाई देनी है और सेंसर लगाना है वो इसके अंदर से हम पास कर देंगे, ताकि हमारी जो वायरिंग है वो बाहर नज़र ना आए। ये देखें, ये वायरिंग मैंने की हुई है, ये सेंसर लगाए हुए हैं और इनकी जो वायर्स हैं वो बाहर मैंने निकाल दी। ये इसका ऊपर वाला टॉप कवर है, अंदर से ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये देखें, ये सेंसर लगाया हुआ जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और बताएगा। और ये टॉप कवर है जो कि हुक की मदद से हम ऊपर नीचे कर सकें। ये मैंने इसको बाहर निकाल के तो इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर और 12 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई लगाई है। इसी में हमने लाइट बल्ब का जो कनेक्शन है वो भी इधर से ही दिया हुआ है, ये देखें। और ये थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूँ चला के। ये देखें, ये अब चल रहा है, फंक्शनिंग में है। ये देखें, ये लाइट बल्ब ऑन है। थोड़ी देर बाद हम इसको अब थोड़ा सा, इस किट के अंदर हीट और कूल दोनों फंक्शन हैं जो कि बड़े इजीली आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम जो डिजिटल वॉचेस हैं उनके अंदर हम मोड सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से टाइम सेट कर लेते हैं, इसी तरह हम इसमें टेम्परेचर को सेट कर लेंगे। ये देखें, ये लाइट बल्ब जा रहा था, बुझ गया है। इसी तरह ये हम इसको टेम्परेचर कंट्रोल के लिए सेट कर देंगे और ये फंक्शनिंग करने लग जाएगा। ये हमारा ब्रीडर बॉक्स तैयार है और इसके अंदर हमने प्यारे से चिक्स जो हैं ग्रे पैरट्स के, वो इसके अंदर हमने रखे हुए हैं। ये हीट को पूरी तरह कंट्रोल करता है
ये मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, ये देखें इसके अंदर कुछ दिनों बाद ये इस तरह के हो जाएंगे। और इसके अंदर सेफ एंड साउंड है, बहुत ही प्यारा बॉक्स है। आप अगर घर में बनाना चाहें तो इजीली बना सकते हैं। ये देखें, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी कर दें। शुक्रिया।